मैं ओम प्रकाश राजभर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। और जाके बता देना कि मंत्री जी भेजे हैं। दरोगा जी के पावर तो हो नहीं कि मंत्री जी से फोन करें कि भेजे ले जाके जाइए। पियर का गमछा वाले नेताजी का ये अंदाज देख रहे हैं ना, इनका बड़बोलापन तो पहले ही कई बार देख चुके होंगे आप, लेकिन अब तो नेताजी मंत्री भी बन गए हैं और मंत्री बनने के बाद इनके तेवर में दबंग पना वाला भी रुआब दिखने लगा है, वो भी मंत्री बनने के 24 घंटे के अंदर ही। देखिए कैसे लाल बत्ती मिलने के एक दिन के अंदर ही खाकी को ही टारगेट पर ले लिया और अपने पीले गमछे का भौकाल दिखाया। मैं कहता हूं किसी थाने पर जाओ और वहां जाने के बाद थोड़ी सी दिक्कत है, उस थाने पर जाओ सफेद गमछा मत लगाओ, सफेद गमछा नहीं एक पीला गमछा लगा लो, 20-25 रुपए का मजार बाजार में मिलेगा। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर, जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। ये है पावर। और जाके बता देना कि मंत्री जी भेजे हैं। और दरोगा जी के पावर तो हो नहीं कि मंत्री जी से फोन करें कि भेजे ले जाके जाइए। बोलिए है पावर। एसपी को भी पावर नहीं है, डीएम को भी पावर नहीं है, आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं डीजी को भी पावर नहीं है कि वो हमसे पूछे कि आपने भेजा है कि नहीं भेजा है। तो सुना आपने, नए नए मंत्री बने राजभर जी अपने मंत्री वाले पावर को लेकर जितना अघा रहे हैं, अब इस नए नए पावर का ही नशा है कि मंत्री जी मुख्यमंत्री के बाद खुद को ही सर्वे सर्वा समझने लगे हैं। आज ओम प्रकाश राजभर के पास वो पावर है कि जो पावर मुख्यमंत्री जी के पास है उसके नीचे अगर पावर किसी के पास है तो वो पावर ओम प्रकाश राजभर के पास है। इसलिए हम आपसे कह रहे हो कहीं भी आपकी कोई समस्या हो हम आपको अपना पावर, हम आपको पावर देते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि मंत्री जी बस करिए, मंत्री बनने पर कितना इतराएंगे, तो बता दे राजभर जी यहाँ नहीं रुकने वाले हैं, क्योंकि इनको जो ये पावर मिल रही है वो देश और प्रदेश के सबसे बड़े पावर हाउस से मिल रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो खुद नए नए मंत्री बने राजभर जी ने ही बताया। राजभर के मुंह से ही सुनिए उनके पीले गमछे में पावर कहाँ से आती है और क्यों आती है। आज इस देश में सबसे बड़ा पावर कहाँ है, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को, दो लोगों के पास पावर है। और ओम प्रकाश राजभर वहां कनेक्शन जोड़ा है, कहां जोड़ा है, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा पावर कहां है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ। कल आपने देखा कि मुख्यमंत्री जी बैठ करके ओम प्रकाश राजभर को शपथ दिला रहे थे कि आज ओम प्रकाश राजभर हमारा सिर खड़ा हो रहा है इस लड़ाई में हमारे साथ। तो देखा आपने, मंत्री बनते ही ओपी राजभर के ये बड़बोले और दबंग वाले तेवर मोदी शाह और योगी तक से अपने तार जोड़ लिए हैं। गजब है मंत्री ओपी राजभर जी, अभी तो पोर्टफोलियो मिला भी नहीं है और अभी से ये तेवर है, तब तो आगे आप बवाल ही काटने वाले हैं। राजभर के इन बयानों को सुनकर बीजेपी भी सोच रही होगी, हे भगवान राजभर को मंत्री बनाकर ठीक किया है कि नहीं। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।